दोस्तों भले ही चेन्नई सुपर किंग की टीम ने मुंबई इंडियंस की टीम से आईपीएल का मुकाबला जीता हो, मगर दोस्तों जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग की टीम पर टूटा दुखों का पार। दरअसल दोस्तों जैसे इस खिलाड़ी का हार्ट अटैक से निधन हुआ, उसके बाद दोस्तों पूरे क्रिकेटर फूट फूट कर रोने लगे। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईपीएल 2023 का 49वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 139 रन पाई 8 विकेट खोने के बाद 20 ओवर में, जिसमें सबसे ज्यादा निहाल बडेरा ने 64 रन की तूफानी पारी खेली। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 17.4 ओवर तक कर लिया 140 रन स्कोरबोर्ड पर लगाकर 4 विकेट खोने के बाद, और इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 6 विकेट से जीत लिया। मगर दोस्तों जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग की टीम पर टूटा दुखों का पार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शिवम दुबे के फादर का हार्ट अटैक से बीते कल निधन हो गया, उसके बाद दोस्तों सभी क्रिकेटरों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वैसे दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में शिवम दुबे के पिता की आत्माओं की शांति के लिए ओम शांति ओम लिखना बिल्कुल ना भूलें।